किसानों की दुहाई किसी काम न आई। पंजाब हुकूमत का गंदुम न खरीदने का फैसला। पंजाब हुकूमत रवां साल गंदुम नहीं खरीदेगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के पास गंदुम का एक साल का स्टॉक मौजूद है। किसानों का नाम लेकर मिडलमैन शोर मचा रहे हैं। हुकूमत ने गंदुम की खरीदारी के लिए 3900 रुपये फी मन गंदुम का रेट मुकर्रर किया था। किसानों का नुमाइंदा कौन? किसान इत्तेहाद 3 धड़ों में तकसीम। किसानों का लीडर बनने के चक्कर में तहरीक का असल मकसद जायल होने लगा। खालिद हुसैन भाटा, खालिद खोखर और रशीद मनहाला का किसान लीडर बनने का दावा। खालिद खोखर का मुल्तान से एहतजाज का ऐलान। खालिद भाटा ने कराची से एहतजाज की कॉल दे दी। मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद ने एहतजाज की कॉल दे दी। खालिद हुसैन भाटा ने कहा एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया है, अब पाकिस्तान भर के किसान एहतजाज में हिस्सा लेंगे। हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम न किए तो किसान इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। किसान बोर्ड जमात इस्लामी का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत इजलास। किसान बोर्ड के सदर सरदार जफर हुसैन की शिरकत। लियाकत बलोच ने कहा कि वज़ीर आला ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना देने का फैसला कर लिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जल्द एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। गंदम स्कैंडल की तहकीकात जुडिशल कमीशन के जराए कराने की जरात पर समाप्त हुई है। जस्टिस शुजात अली खान ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। निगरान हुकूमत ने इख्तियार न होने के बावजूद गंदम दरामद की, किसानों का भारी नुकसान हुआ। दरख्वास्त में मौकिफ। महंगाई के सताए अवाम को 440 वाट के झटके। बिजली की कीमत में 2.83 रुपये फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में किया गया है। कीमत में इजाफे के तलाक रवा माह के बिलों में होगा। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, आटे की कीमत में मजीद कमी। 20 किलो आटे का थैला 600 रुपये तक सस्ता। मुख्तलिफ अज़ला में आटे के 10 किलो थैले की कीमत 900 रुपये तक हो गई। वकला का अदालतों की मॉडल टाउन मुंतकली के खिलाफ एहतजाज। वकला और पुलिस आमने सामने। GPO चौक मैदान जंग बना रहा। वकला का पुलिस पर पथराव। पुलिस की वकला पर शेलिंग। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। पुलिस ने मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। वकला का एहतजाज। पंजाब हुकूमत की पुलिस को हर सूरत एहतजाज कंट्रोल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत को वकला एहतजाज के पीछे सियासी हाथ होने का खदशा। वकला एहतजाज टेस्ट केस है, रोका ना गया तो एक सियासी जमात से मिलकर तहरीक शुरू हो सकती है। पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट पेश। ज़राए के मुताबिक वकला एहतजाज मुसलसल मुजाहिरों की पहली कड़ी भी हो सकती है। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आला मरियम नवाज की IG पुलिस को हिदायत। वकला को भी चाहिए वो अपने मामलात हाईकोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। वज़ीर आला मरियम नवाज का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर पैगाम। कहा लाहौर के शहरियों के तहफ्फुज के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। पुलिस ने 79 वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया। 50 से ज्यादा वकला मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज। गिरफ्तार वकला को रहा न किया गया तो हमारी जंग पंजाब हुकूमत के साथ होगी। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल कामरान बशीर मुगल का वाज़ेह ऐलान। कहा अदालतों के खिलाफ नहीं है, अपना हक मांग रहे हैं। सदर लाहौर बार एसोसिएशन मुनीर हुसैन भट्टी बोले जो कुछ हुकूमत के इमा पर किया गया वो काबिले अफसोस है। वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात क्यों दर्ज किए जाते हैं? वकला पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं। GPO चौक में पुलिस और वकला के दरमियान झड़प। मुतअद्दिद वकला गिरफ्तार। साबिक नायब सदर लाहौर हाईकोर्ट बार रबिया बाजवा कहती हैं गिरफ्तार होने वालों में पंजाब बार काउंसिल के रुकन मुबशर रहमान, सेक्रेटरी लाहौर नईम ताहिर शामिल हैं।
सीनियर वकील रहनुमा चौधरी इब्रार पर भी पुलिस का तशद्दुद, जख्मी हालत में गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और वकला के दरमियान हंगामा आई, वकला के पथराव और लाठीचार्ज से एसपी मॉडल टाउन, एसएचओ और मुतअद्दी जवान जख्मी, पथराव से शहरियों की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। वकला मुजाहिरीन ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि वकला की जानिब से हाईकोर्ट के अहाता में हंगामा आई, जलाओ गहराओ और तोड़फोड़ की कॉल दी गई थी। लाहौर पुलिस सरकारी इमलाक और शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट है। सेशन अदालतों की मुंतकिली और वकला पर पुलिस तशद्दुद, पाकिस्तान बार काउंसिल का कल हड़ताल का ऐलान। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसान भून ने कहा कल मुल्क भर में वकला हड़ताल करेंगे। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की पंजाब असम्बली में आमद, मलिक अहमद खान भुचर ने आरिफ अलवी का इस्तकबाल किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी परफॉर्मेंस बारे साबिक सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुन्नी इतिहाद काउंसिल के अरकान से भी मुलाकात की। पंजाब असम्बली में सानहा नौमई के हवाले से करारदाद जमा, मुस्लिम लीग नून की एमपीए रहीला खादिम हुसैन ने करारदाद जमा करवाई। मतन के मुताबिक इंतशारी टोला आवाम के सामने बेनकाब हो चुका, ऐसे किरदारों पर मुल्की सियासत में हिस्सा लेने की पाबंदी होनी चाहिए। नौमई के हवाले से ओपोजिशन ने भी पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करवा दी। करारदाद ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुचर और अरकान असम्बली के दस्तखत से जमा करवाई गई। सानहा नौमई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील का मुतालबा, वतन में कहा कि एक साल से इस सानहे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तों के मेंबरान की रुकनीत मुअत्तल करेगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन विंग ने वर्किंग शुरू कर दी। कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तों की मुअत्तली हो गई। सूबाई असम्बली की 53 नशिस्तों की मुअत्तली का नोटिफिकेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इतिहाद काउंसिल की अपील पर मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट मुअत्तल की थी। वज़ीर आला मरियम नवाज से तुर्कमेनिस्तान के सफीर की मुलाकात, तजारत सरमायाकारी के फरोग के लिए तआवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने कहा तुर्कमेनिस्तान पाकिस्तान का ब्रदर मुल्क है, पंजाब में तवानाई इंडस्ट्री लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के वसी मवाके मौजूद हैं। अवामी मसाइल के हल का बड़ा प्रोग्राम मंजूर, वज़ीर आला रिवैम्प लाहौर प्रोग्राम की समरी मंजूर कर ली गई। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने स्कीमों की मत में बड़े बजट की मंजूरी दी थी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की 187 स्कीमों के लिए 21 अरब 90 करोड़ और वासा की 210 स्कीमों के लिए 1 अरब 27 करोड़ 86 लाख के फंड्स की मंजूरी दी गई। स्कूल में टीचर पर तशद्दुद, वज़ीर आला मरियम नवाज का वाकये का नोटिस, वज़ीर आला ने कमिश्नर साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत की गई। कहा मजहब माशरों में असातज़ा का एहतराम लाजिम होता है, स्कूल पर हमला किसी सूरत काबले कबूल नहीं। बसारत से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी, 28 महकमों में मुलाजमत करने वाले 664 मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी। पंजाब हुकूमत ने बसारत से महरूम अफराद की मुद्दत मुलाजमत में 89 रोज की तौसी की मंजूरी दे दी। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मुलाजमीन की सुनी गई, ग्रेड 14 के 332 अंडर ऑफिसर्स को 54,500 रुपये अलाउंस दिया गया। अलाउंस की अदायगी पर सालाना 21,71,00,000 रुपये सालाना खर्च होंगे। सीटीडी अलाउंस महकमा जाति फंड से ही दिया जाएगा। अपना रोजगार स्कीम की तशहीरी मुहिम के वाजबात अदा करने की मंजूरी,
स्कीम की तशहीरी डॉक्यूमेंट्री पर 50 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इनसाइड ट्रेनिंग के इल्जाम की वजह से स्कीम के फंड्स की अदायगी जेर इल्तवा थी। स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने फंड्स जारी करने की मंजूरी दी। कमिश्नर लाहौर सैद बिन मकसूद की सर सदारत इजलास, सीईओ रूडा इमरान अमीन की रूडा के ऑपरेशन से मुलाकात और तफसीली ब्रीफिंग। कमिश्नर ने कहा कि रूडा का लाहौर की जदीद तरीन फॉर्मेशन में कलीदी किरदार होगा। रूडा एरियाज में लाहौर और शेखुपुरा इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट फराहम की जा रही है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, साबिक सदर आरिफ अलवी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में आमद। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज सीमा, सेनेटर एजाज चौधरी से मुलाकात। पंजाब के 8 जुडिशल अफसरान का तबादला, जजिस की खिदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सपुर्द कर दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। पीडीएमए का हीट वेव, बारिशों और तूफानों का अलर्ट जारी। तर्जमान पीडीएमए के मुताबिक 10 मई से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पंजाब भर में जिला इंतजामिया को मौसमी सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज थैलीसीमिया का दिन मनाया गया। दिन मनाने का मकसद अवाम में थैलीसीमिया से मुतालिक शऊर उजागर करना था। थैलीसीमिया खून की ऐसी बीमारी है जिसमें मुबतला अफराद को जिंदा रहने के लिए हर माह खून की मुंतकिली की जरूरत होती है। वज़ीर आला मरियम नवाज का थैलीसीमिया के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। थैलीसीमिया से आगाही का आलमी दिन, थैलीसीमिया से मुतासर बच्चों की मदद के लिए पंजाब पुलिस अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पैगाम, कहा पुलिस मुलाजमीन के थैलीसीमिया में मुबतला बच्चों को खून के अतियात फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। फातिमा जरा मेडिकल यूनिवर्सिटी का 37वां सिंडिकेट इजलास, सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने फातिमा जरा मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के हवाले से काविशों पर ब्रीफिंग दी है। वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर नासिर हयात, इनएक्शन डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर यूईटी नारोवाल के कैंपस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शहबाज को ओहदे से हटा दिया। प्रोफेसर डॉक्टर असगर साकिब नए कोऑर्डिनेटर तैनात, नोटिफिकेशन जारी।